हाय गाइस, ये है DS18B20 वायर वाटरप्रूफ डिजिटल टेम्परेचर सेंसर। भाई वाटरप्रूफ है, तुम इसको पानी में डालो या फिर गुप्त ज्ञान वाली अंधेरी गुफा में, इसने तुमको टेम्परेचर मेजर करके देना है। तो चले इस सेंसर की कुंडली देखते हैं, मतलब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। DS18B20 से आप लोग -55 डिग्री सेल्सियस से लेके 125 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। एंड इट एक्सेप्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज फ्रॉम 3 वोल्ट्स टू 5.5 वोल्ट्स। इसका मतलब है ये टेम्परेचर सेंसर आप लोग 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट कंपैटिबल कंट्रोलर बोर्ड्स के साथ इजीली यूज़ कर सकते हैं। 5 वोल्ट बोर्ड्स जैसे Arduino Uno, Arduino Nano और 3.3 वोल्ट कंट्रोलर बोर्ड्स जैसे ESP8266, ESP32, STM32, Raspberry Pi Pico एंड सो ऑन। एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक। आप देख सकते हैं इस सेंसर की 3 वायर्स हैं। रेड वाली वायर वोल्टेज वायर है और ये वायर आप लोग 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट के साथ लगा सकते हैं। ब्लैक वायर ग्राउंड वायर है और येलो वायर डेटा वायर है। अब देख सकते हैं मैंने वोल्टेज वायर और डेटा वायर के बीच में 10 किलो ओम रेजिस्टर लगाया है। वैसे रिकमेंडेड वैल्यू 4.7 किलो ओम है, पर 10 किलो ओम भी अच्छा खासा काम कर लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों का तो मैंने बता दिया है। अगर आप लोग मज़ीद इस सेंसर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरा आर्टिकल रीड कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेम्परेचर डिस्प्ले करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ I2C सपोर्टेड SSD1306 और OLED डिस्प्ले मॉड्यूल। ओके गाइज, इस प्रोजेक्ट में जितने भी कंपोनेंट्स और टूल्स यूज़ हुए हैं उन सबके अमेजॉन लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। And now let's take a look at the circuit diagram. तो ये है सिंपल सा सर्किट डायग्राम DS18B20 टेम्परेचर सेंसर का। डेटा वायर Arduino के डिजिटल पिन D4 के साथ कनेक्टेड है और रेड एंड ब्लैक वायर्स Arduino के 5 वोल्ट एंड ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हैं। SSD1306 और LED डिस्प्ले मॉड्यूल के SDA और SCL पिन्स Arduino के I2C पिन्स के साथ कनेक्टेड हैं। Arduino में I2C पिन्स A4 एंड A5 हैं। A4 इज़ द SDA एंड A5 इज़ द SCL, और इसके वोल्टेज एंड ग्राउंड पिन्स Arduino के 5 वोल्ट एंड ग्राउंड पिन्स के साथ कनेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं मैंने सारे कनेक्शंस कर लिए हैं एज पर द सर्किट डायग्राम। इस डेवलपमेंट बोर्ड से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, आप सेम कनेक्शंस ब्रेडबोर्ड पे भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द प्रोग्रामिंग। Before you start the programming, first of all, make sure you download all the necessary libraries from our website electronicclinic.com. I will provide a link in the description. और अगर आप लोगों ने खुद इंस्टॉल करनी है लाइब्रेरीज तो मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ। Arduino IDE को ओपन कर लें, स्केच के मेन्यू पे क्लिक करें और फिर इंक्लूड लाइब्रेरी में जाके मैनेज लाइब्रेरीज पे क्लिक कर लें और थोड़ा सा वेट करें। सर्च बॉक्स में आप लाइब्रेरी का नाम लिखें, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे SSD1306 लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। आप देख सकते हैं मेरे पास ये लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो सेम ऐसे ही आप बाकी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर सकते हैं। DS18B20 और SSD1306 और LED डिस्प्ले मॉड्यूल पे ऑलरेडी मेरी ढेर सारी वीडियोज़ हैं जो आप मेरे दूसरे चैनल इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिक पर जाके चेक कर सकते हैं। Anyway, I have already uploaded this program and now let's watch the DS18B20 Digital Temperature Sensor in action. Okay, मैंने Arduino बोर्ड को पावर अप कर लिया है और अभी OLED डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर ये है डिग्री सेल्सियस में और ये फ़ारेनहाइट में है। ये अभी मेरे रूम के अंदर का टेम्परेचर है। तो अभी मैं इस सेंसर को पानी में डालने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, अभी ये 15.88 है और ये फर्दर डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि पानी थोड़ा सा ठंडा है। तो ये काम कर रहा है पानी के साथ, तो ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है क्योंकि ये वाटरप्रूफ है तो सेंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी हम चलते हैं और इसको लाइटर के साथ चेक करते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। ओके, तो टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज़ हो गया है 76 डिग्री सेल्सियस और आप फ़ारेनहाइट में भी इसको देख सकते हैं। ओके, इस सेंसर को पानी में डालने के बाद आप देख सकते हैं टेम्परेचर काफ़ी जल्दी से डिक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1000 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर सेंसर यूज़ करेंगे, तो भाई सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगली वीडियो मैक्स 6675 और K टाइप थर्मोकपल के बारे में होगी।